स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 9.1 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 30। 30 का फर्स्ट नंबर देखिए क्या कह रहा है। इफ एक्स का वैल्यू 0 टू पाई तक है एंड एक्स लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट सच दैट साइन एक्स इक्वल टू 1/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2 एंड टेन एक्स बाई 2। हमें इनके वैल्यू निकालने हैं। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि साइन एक्स का वैल्यू 1/4 है एंड एक्स लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट यानी कि एक्स का वैल्यू आपका लाई करेगा कहाँ से कहाँ तक, 90 से लेकर 180 के बीच में। एक्स लाई करेगा 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट में। लाई करने का मतलब ये ना हुआ जी, अच्छा इसमें हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 45 से ग्रेटर होगा x बाई 2 बट लेस देन होगा 90 से। इसका मतलब कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि x बाई 2 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव होंगे। तो चलिए हम लोग इनसे शुरू करते हैं। तो हमारे पास साइन x का वैल्यू दिया है, ठीक है, एक काम करते हैं। साइन x का वैल्यू दिया हुआ है, अगर हम लोग ये एंगल लें x तो ये 1 होगा, ये 4 होगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका √15, ठीक है। चलिए तो ये √15 हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ से cos x के वैल्यू की बात करें तो x लाई कर रहा है आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, √15/4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर cos x by 2 निकालते हैं। तो cos x by 2 निकालना है तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि cos x इक्वल टू में होता है 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1, यानी हो जाएगा यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस का 1 इक्वल टू में माइनस का √15/4। माइनस 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x by 2 इक्वल टू में 1 माइनस का √15/4। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अंदर एलसीएम ले लेते हैं। 2 cos स्क्वायर x by 2 इक्वल टू में एलसीएम होगा 4 माइनस का √15, ये जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से आ जाएगा cos स्क्वायर x by 2 इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर कितना, 4 माइनस √15 और बाई में 8 हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर जो उधर रूट में जाएगा और ये पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि x by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा cos x by 2 का, क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं कि x by 2 lies in first quadrant, इसलिए ऐसे हम लोग पॉजिटिव रखे हैं। अच्छा cos x by 2 निकल गया, अब हमें sin x by 2 निकालना है। तो हम लोग देख रहे हैं हमारे पास कि cos x का वैल्यू आया था क्या था, माइनस का √15 और y में 4, इसी से निकाल देते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं इसका, यहाँ पर क्या 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू में माइनस √15 और बाई में 4, इसको इधर लाते इसको इधर लाते, तो 1 प्लस का √15/4 इक्वल टू में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। चलिए उधर एलसीएम ले लेंगे, है ना जी, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू में इधर एलसीएम होगा 4 प्लस का √15, ये जाएगा 2 डिवाइड में, तो हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू में 4 प्लस का √15 और बाई में यहाँ पर 8, स्क्वायर ले जाएंगे रूट में और यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा क्योंकि साइन x बाई 2 जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 4 प्लस का √15 बाई में 8। लिख सकते हैं कि x बाई 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए पॉजिटिव ले रहे हैं। अच्छा ये भी निकल गया, अब हमें tan x by 2 निकालना है। तो sin x by 2 by cos x by 2 करेंगे तो नहीं हो जाएगा, sin x by 2 और बाई में cos x by 2, तो sin x by 2 का वैल्यू हो गया यहाँ पर √4 प्लस का √15 बाई में 8 और यहाँ पर इसका हो जाएगा आपका √4 माइनस का √15 बाई में 8, तो ये इससे कट जाएगा। अब इसके बाद देखिए ऊपर और नीचे देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं √4 प्लस का √15 और बाई में √4 माइनस का √15 इंटू कर देते हैं √4 और यहाँ
प्लस में रूट 15 से और नीचे रूट अंडर 4 माइनस का प्लस का रूट अंडर 15 से, स्लाइड कर दिए डिनोमिनेटर का, तो ऊपर आपका हो जाएगा रूट अंडर 4 प्लस रूट अंडर 15 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 15 का स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो ऊपर स्क्वायर से रूट हट जाएगा 4 प्लस का रूट 15 और नीचे देखिए आपका रूट अंडर 16 माइनस का 15, 1 आएगा, 1 का रूट 1 ही हो जाएगा, यानी 4 प्लस रूट 15 इसका आंसर हो गया। चलिए